हाई फ्रेंड्स इन पाकपो पाती टेल्क रीकनसल स्टेटमेंटी पाक बैंक रीकनसलेशन रीकनसलेशन अब नम्ब कंपनियो अकोट नम अको बैंक स्टेटमेंट पाती क्रैश वेरीफिकेशन पड़े नम्बर क्रैश वेरीफिकेशन पड़ो अब नम्बर एव्री मंत पड़ा वो कंपनियों बैंक वह पाती स्टेटमेंट वांगी इश्यू पड़ चेकल पाती वित्ड्रापोल पाती रिशीव पड़ चेक कलेक्शन पाती वेरीफिकेशन पड़वा इत वेरीफिकेशन अब से पाती मिनिमम थ्री मंथ पाती वैलिडिटी चेक डेटल पाती मूँ मस पाती चेक कलेक्शन सो अंदमर नम्बर इश्यू पड़ चेक पाती नमुक एक्सापल पाती एप्रिल फाइव अने नम्बर इश्यू पड़ो नम अकोट नम्बर अकोट बुक एप्रिल फिफ्त अने की नम्बर इश्यू पड़ता काटी आना आक्चल बैंक पाती कलेक्शन अब अगर सौरीपा एक्साप्ल टेन डेस्प कल्ची पाती फिफ्टीन अनेक अब नम्बर पड़े नम्बर स्टेटमेंट प्रकार नम अको स्टेटमेंट प्रकार पाती एप्रिल फाइव अने की नम पाती अमौंट पे पड़ता काटी आना एप्रिल फिफ्टीन தனக்கு தான் பேங்க்ல கலெக்ஷன் போட்டு எடுத்துப்பாங்க சோ ரெண்டுக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா 10 டேஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ரிசீவ் பண்ண செக்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம ரிசீவ் பண்ண டேட்ல போட்டுறோம் ஆனா நம்ம கலெக்ஷன் போட்டு நமக்கு கலெக்ஷன் ஆகாது பாத்தீங்க அப்படினா 3 டேஸ் 3 டேட் ஆகும் இல்ல பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு 1 வீக் ஆர் 2 வீக் பாத்தீங்க அப்படினா டைம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்னைக்கு ரிசீவ் பண்ணோம் அந்த ப்ளஸ் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம கலெக்ஷன் போட்டு நமக்கு எந்த அன்னைக்கு பேங்க்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படினா அமௌண்ட் நமக்கு வித்ட்ரா இருக்கு அப்படினு பார்க்கறத நம்ம பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் பாத்தீங்க அப்படினா பார்க்க போறோம் சோ இப்போ और वे पाती सपोज ना एप्रिल तटी ना और चेक पाती रिसीव पड़े ना पड़ेपा इन बैंक अकाउंट ना इन अकंट प्रकार पाती नमुक अमौंट रिसीव पड़ता काटेप बैंक अमौंट इनक्रीसा आना नम्बर इनकी कलेक्शन पाती टू आर थ्री डेस नमुक अब अमौंट कलेक्शन आगे सब टू डेस कल्ची नमुक नक्स्ट मंत नमुक अमौंट नमुक स्टेटमेंट काटो ना इत मंत स्टेटमेंट वांगी पाक पाती नम तटी की नम एंट्री पड़ी पण वा आना बैंक पातीक पाती अमौंट नमुक वन சோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் பாத்தீங்க அப்பனா இருக்கும் சோ அப்ப நான் இஷ்யூ பண்ண செக் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்பனா என்னைக்கு வித்ட்ரா இருக்கு அதே போல நான் ரிசீவ் பண்ண செக்ஸ் பாத்தீங்க அப்பனா என்னைக்கு கலெக்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கதா அந்த பேங்க் ரீகன்சிலேஷன் பாத்தீங்க அப்பனா பார்க்கறோம் சோ இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா பர்టి큘ர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க 2010 டு 11 இருக்கான பர్టి큘ர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேல்ல பாத்தீங்க அப்பனா ஒரு கம்பெனி நான் மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கிறேன் கம்பெனிக்கு நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ड्यूटिजन को कंपनी क्रियेट पड़ी फिनाशल टेन टू लवन को क्रियेट पड़े अकोट्स ओनली को क्रियेट पड़े सो नमुक इन पाकपो अब ना ट्रांसक्शन इन मंत के ट्रांसक्शन अंत ट्रांसक्शन पाती बैंक स्टेटमेंट वे ना इप्ली रीकनसल पड़पो अब पाक रीकनसल पड़ी नम्बर 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 अकोट कंपेर पड़पुर चेक पाती कलेक्ट आगाम इतना चेक पाती नमुक इन वित्ड आगाम पाती पाक फर्स्ट ना इना पड़े अपना कंपनी क्रियेट पड़क पाती ओपनिंग मैं ना पुट पड़ी करें अकोट इंफो लज्जर सिंगल लज्जर क्रियेट पड़ी करें नमुक फर्स्ट नेम पाती कैपिटल फाइव लाख नमुक टेल पाती कैपिटल अब नेम ना टाइप पड़ी करें अंडर कैपिटल अकोट चूस पड़ो फाइव लाख पाती अमौंट ना कुछ सेव पड़ी करें அடுத்த லெட்ஜர் நேம் பாத்தீங்க அப்பனா கேஷ் 2 லட்சம் ரூபீஸ் நான் என்ன பண்ண கேஷ் நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கும் பேஜ் பிரஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இங்க 2 லட்சம் ரூபீஸ் இதுக்கான அமௌண்ட் நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த லெட்ஜர் நேம் பாத்தீங்க அப்பனா இந்தியன் பேங்க் இந்த கம்பெனி பாத்தீங்க அப்பனா இந்தியன் பேங்க்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருக்காங்க சோ நேம்ல இந்தியன் பேங்க் னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் நேம்ல இந்தியன் பேங்க் டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்தியன் பேங்க் பேங்க் அக்கவுண்ட் சாய்ஸ் பண்ணிக்கோங்க इकाना अमौंट पाती थ्री लाख रुपीस ना थ्री लाख रुपीस कुत्ते सेव पड़ी करें ओपनिंग बैलेंस पाती टैली पड़िया एसके कुछ वे वह ट्रांसक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एप्रिल पाती एप्रिल मंत ट्रांसक्शन को सो एप्रिल मंत फर्स्ट ट्रांसक्शन पाती एप्रिल पेड टेलीफोन चार्जेस इवेंगे टेलीफोन चार्जेस पे पड़ा टू थाउजेंड रुपीस बाय चेक पाती इवेंगे पड़ा सो इन पड़े अब अकोटिंग वउचर पे ट्रांसक्शन पुट पड़पे एफ टू प्रेस पड़े फर्स्ट एप्रिल डेट ना चेंज पड़ी करें टेलीफोन चार्जस् अल्टी को टेलीफोन चार्जस् अम पाती करें अंडर इनडेरेक्ट एक्सपेंसेस चूस पड़ो अमौंट नम्बर को टू थाउजेंड रुपीस टू थाउजेंड रुपीस नम्बर को क्रेडिट बै चेक अब नम्बर बैंक को इंडियन बैंक अभी पाती सेलेक्ट पड़ी करें
नरेशन चेक नंबर नम्बर कुछ चेक नंबर पाती 251 31 इंपा 251 31 अपना चेक नंबर पाती नमक नरेशन वाणी टाइप पड़ा यद सेव पड़ी अप्रल तर्ड अने की कमीशन रिशीव पड़े 10,000 rupees F6 रिशीट वे चूस पड़ी करें ना डेट पाती चेंज पड़ी करें 3-4 अपना डेट ना चेंज पड़ी करें ना रिशीव पड़े अपना कमीशन रिशीव पड़े 10,000 rupees टैली सॉफ्टवेयर पाती रिशीप्ट वो F6 रिशीप्ट वो माती करें आल्ट सी को कमीशन रिशीवडन को रिशीवड अंड इंडेरेक्ट इनकम चूस पड़ी करें इन अमौंट पाती 10,000 rupees 10,000 rupees को नम से पाती रिशीव पड़े सो बैंक इंडियन बैंक डेबिट डेबिट पाती सेलेक्ट पड़ी करें इतना चेक नंबर 75461 पड़े 75461 अपने चेक नंबर ना कुछ सेव पड़ी करें अड़ ट्रांसक्शन एप्रल 4 अने की ना फर्स्ट F2 को 4-4 डेट ना चेंज पड़ी करें नमक पड़ो सैलरी पे पड़े 10,000 rupees इतना पड़े अब पेमेंट वाउचर चूस पड़ी करें एफ को पेमेंट वाउचर चूस पड़ो सैलरी आल्ट सी को सैलरी को इन इंडेरेक्ट एक्सपेंसेस को 10,000 rupees क्रेडिट नम्बर चेक पे पड़ो सो बैंक चूस पड़ी करें इन चेक नंबर पाती अब कुछ 25132 इंपन 25132 अपन सेलेक्ट को सेव पड़ी करें नेक्स्ट ट्रांसैक्शन पाती एप्रल 6 अने की डिविडेंड रिसीव 29,000 अब 6-4 अब पाती को नम्बर रिसीव पड़ रहा F6 रिसीट वो सेलेक्ट पड़ो डिविडेंड रिसीव्ड इले आल्ट सी को डिविडेंड रिसीव ना कोईडीएनटी डिविडेंड रिसीव्ड अब ना कुकें इकान अंडे नमक इंडेरेक्ट इनकम चूस पड़ो 29,000 नम्बर रिसीव पड़ रहा सो 29,000 पाती करें डेबिट नम्बर चेक रिसीव पड़ा बैंक को चेक नंबर पाती को 13555 अब चेक नंबर ना कुछ सेव पड़ी करें अत ट्रांसक्शन पाती एप्रल 12 अने की इवें रेट पाती पे पड़ा बै चेक पे पड़ा सो इमुक पेमेंट वो ना चूस पड़ी करें डेट पाती 12-4 ना कुछ चेंज पड़ी करें डेट पाती 12-4 नम पे पड़ो सो एफ को पेमेंट वो चूस पड़ो रेट पेडेंगे इले आल्ट सी को रेट पेड अब पाती को इंडेरेक्ट एक्सपेंसेस नम्बर एवं अमौंट पे पड़ो 4,000 rupees नम्बर रेट पे पड़ो 4,000 क्रेडिट चेक नंबर पाती पे पड़ा बै बैंक चूस पड़ी करें इन चेक नंबर पाती 25134 25134 अपन डेट को चेंज पड़ी करें அடுத்தது ஏப்ரல் 15 அன்னைக்கு கேஷை டெபாசிட் பண்ணாங்க அந்த கம்பெனி 20,000 rupees நீங்க என்ன பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் F2 கொடுத்துட்டு 15-4 நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம கேஷை டெபாசிட் பண்ணுறோம் ஸோ கான்ட்ரா வவுச்சர் F4 ப்ரெஸ் பண்ணி கான்ட்ரா வவுச்சர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேங்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறோம் 20,000 rupees सो बैंक पाती डेबिटे कैश ना क्रेडिट वे 20,000 rupees को क्रेडिट डेबिट पाती इंडियन बैंक सेलेक्ट पड़े सेव पड़ी करें अत ट्रांसक्शन पाती एप्रल 18 अने की पड़े F2 को 18-4 ना चेंज पड़ी करें पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 8,750 इन पड़े अब पेमेंट वो चूस पड़ो நம்ம ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறோம் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் நேம் இங்கே இல்லை ஆல்ட் சி கொடுத்துட்டு ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் PENSES எக்ஸ்பென்சஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு அண்டர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா 8,750 இங்கே என்ன பண்ண 8,750 அப்படிங்கிற அமௌண்ட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் பை செக்காக நம்ம பார்த்திங்க பே பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்தியன் பேங்க் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கான செக் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 25135 இங்கே 25135 அப்படிங்க டேட் நான் செக் நம்பர் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் போட்டோம் இது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி பேங்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் தி மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல் 2010 ஏப்ரல் மந்த்துக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் பேங்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை ஃபஸ்ட்டு டேட்டுன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க்கில் நமக்கு அது பேங்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக் கிளியரன்ஸான டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க பர்டிகுலர்ஸ் தென் ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வித்ட்ரா இருக்குன்னு அமௌண்ட் நம்ம டெபிட்டில் மென்ஷன் பண்ணோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபாசிட்டாக இருக்கும் அந்த அமௌண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கிரெடிட்டில் காட்டும் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இந்த இயரோட ஸ்டார்டிங்கில்
3 lakh rupees பாத்தீங்க அப்படினா ஓபனிங் பேலன்ஸ் இருந்து இந்த मंथோட 15 4 எண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படினா 3,40,870 rupees இருக்கு. ஸோ இந்த நமக்கு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், அப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் நமக்கு கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி இந்த பேங்க் பேலன்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ இந்த பேங்க் பேலன்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி கொண்டு வரங்கிறத நம்ம பார்ட் 2 பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.